फ्रेंड्स, मैं शुभम। तो फिर से नया वीडियो तुम्हें आपके सामने आया हूँ। आज मैं बताऊंगा, ये मेरे हाथ में देखिए कॉकटेल का बच्चा है। इसका पोटा देखिए, इसका पोटा में पूरा एकदम उसका जो नस है पूरा एकदम उभर के आ रहा है। और ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें पूरा एयर भरा हुआ है। नीचे का साइड ये फूड है, बाकी एयर है। ये क्यों जमता है? ये जमता है कि अगर किसी वजह से उसका नाक, ये देखिए इसका नाक में अगर हाँ जो देख रहे हो बंद हो चुका है किसी डर्टी चीज से, या उसका पॉटी से, या जो सॉफ्ट फूड देते हैं उससे अगर बंद हो जाता है तो ये मुंह से अपना सांस लेने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इस तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसे देखें इसका नाक बंद है तो हल्का गुनगुना गर्म पानी से और रुई से या कॉटन से इसका नाक साफ कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हवा है इसको निकाल देना चाहिए, वरना क्या होता है इसका इसका जो ये पोटा है ये फूलते फूलते ये खा नहीं पाएगा और ये दम घुट कर मर जाएगा। तो और एक काम करते हैं हम लोग, इसका इसका मुंह हल्का सा खोलने की कोशिश करते हैं। हल्का खोलने की कोशिश करने के बाद देखिए हल्का खोल के हल्का हल्का दबाते हैं, ऐसे दबा दिया, छोड़ दिया। देखिए उसका हवा पूरा निकल गया, देख रहे हैं आप, ये पूरा हवा निकल गया, जो पोटा एकदम फूल गया था। हल्का सा क्या करेंगे, इसका मुंह हल्का सा खोल के इसका पेट हल्का हल्का दबाएंगे तो इसका जो हवा गले से निकल जाएगा। एक बार में मत दबाइए, हल्का हल्का दबाइए तभी वो पूरा उसका हवा निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एक गुनगुना पानी से और थोड़ा कॉटन से इसका जो एक नाक बंद हो चुका है जो मैं ऐसे करके इसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए ये जो ये जो डर्ट लगा हुआ है देखिए, ये मैंने इसको उठा दिया। अब ये आराम से नाक से सांस ले पाएगा। इसका पेट में हवा भरने के दो तीन वजह हो सकता है, एक तो होता है गैस टाइप का कुछ होता है लेकिन वो बहुत कम होता है। मैक्सिमम होता है क्या, इसका नाक का जो ये छेद है, ये छेद अगर बंद हो जाए तो मुंह से ऑक्सीजन लेता है, तब क्या होता है पेट में वो हवा जमता है। और दूसरा बात कब क्या क्या होता है, जब जो पेयर रहता है वो पेयर अगर खाने का टाइम अगर प्रॉपर से फीडिंग नहीं कर पाए तो खाने के साथ साथ वो लोग हवा भी ब्लो कर देते हैं मुंह के अंदर, जो बच्चा खाने के साथ निकल लेता है उसका पेट फूल जाता है। अब ये देखिए इसका पोटा एकदम हल्का हो गया, ये पूरा लाल लाल जो नस दिख रहे वो पेट ज्यादा फूलने की वजह से उसका पेट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था तो इसका पेट पूरा लाल हो गया। अब देखिए इसका पोटा एकदम ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए अभी मेरा बच्चा पूरा तंदुरुस्त हो चुका। मैं हल्का सा इसको ऊपर ऐसे ऐसे करने से इसको निकल गया, देख रहे इसके नाक का जो उसका जो होल है प्रॉपर दिख रहा है और एक टुकड़ा उसका ऊपर जम गया था। तो क्या होता है, जब बच्चा होता है हम लोग सॉफ्ट फूड देते हैं तो सॉफ्ट फूड वो उसका जो मम्मी पापा या देता है वो खाने का टाइम जो लोग खिलाते हैं फीडिंग का टाइम ऊपर जम जाता है, तब इसका सांस लेने में दिक्कत होता है, मुंह से लेता है। हम लोग सिमिलर तो देखेंगे, हम लोग भी कभी कभी सर्दी होता है नाक में जम जाता है सांस लेते हैं मुंह से, बहुत दिक्कत होता है, बहुत तकलीफ होता है। वैसे ये बच्चा को अगर मैं ना देखता अभी तो एक दो दिन में ये बच्चा मर जाता क्योंकि इसका पेट बहुत फूल गया था। अब देखिए मैं हवा निकाल दिया, इसका पोटा छोटा हो गया, देखिए अभी जो थोड़ा है ये रहने दी था, ये थोड़ा ठीक है लेकिन ऊपर एकदम गुब्बारे की तरह फूला हुआ था तो मैंने इसको निकाल दिया। देखिए अभी ये मेरा बच्चा पूरा फिट है, ये कॉकटेल का बच्चा है। तो चलिए फ्रेंड मैं इसको रख देता हूँ। और एक बात बोलता हूँ, जब आप बच्चे को निकालेंगे तो अपने हाथ ठीक से साफ कर लीजिए, या फिर इमरजेंसी रहे तो हाथ को आप जल्दी से अपने दोनों हाथ में रब कीजिए 5 मिनट तक या 1 मिनट तक रब करके गर्म करके फिर बच्चे को पकड़िए। ज़्यादा आपका हाथ ठंडी का टाइम हो तो ठंडा नहीं होना चाहिए, तो बच्चे को इससे शॉक लगता है, शॉक मतलब उसका तबीयत खराब हो सकता है क्योंकि वो तो गर्म पसंद करता है, अगर ज़्यादा ठंडी हाथ उसको पकड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मैंने अपना इन्फॉर्मेशन दे दिया आप लोगों को, शायद आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।